आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन दिवंगत सैन्य कर्मियों और नेताओं को श्रद्धांजलि देने के नाम रहा। बता दें कि सदन में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को याद कर 2 मिनट का मौन रखा गया। विधायक मतलब इस विधानसभा के सदस्य रहे भाई देवव्रत सिंह जी का जो निधन है वो झकझोर देने वाला था। लगातार 4 बार विधायक के रूप में, सांसद के रूप में वे विधानसभा लोकसभा में सदस्य रहे और 52 साल के अल्पायु में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए और जो खबर मिली वो अविश्वसनीय रहा। हम लोग विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन होने के सामने हम सब नतमस्तक हैं। भाई देवव्रत सिंह जी विधानसभा में चाहे लोकसभा में हमेशा सक्रिय रहते थे, अनेक मुद्दों पे वो उसके गहरी पकड़ थी और उसके जो संभाषण हैं उससे परिलक्षित होता था वो कितने अध्ययनशील हैं और विषयों के जानकार हैं। तो अनेक विषयों में बहुत अच्छे सी बात उन्होंने रखी और वो इस सदन की संपत्ति के रूप में है। उसका जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। साथ ही गोविंद प्रसाद जी अनुरागी और खंडेलवाल जी युद्धवीर जुदे तो बिल्कुल ही नौजवान 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, जो बेहद ही दुखदायी रहा। साथ ही राजेंद्र पाल भाटिया के साथ भी मनु रामकच के साथ हम लोग विधानसभा में काम किए। राजेंद्र पाल भाटिया तो 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, विधायक रूप में उनकी सक्रियता सब जानते हैं। मनु राम जी कच बहुत ही सहज सरल मिलनसार व्यक्ति और जब भी बस्तर हम लोग जाते थे उनसे मुलाकात होती थी। ऐसे अनेक लोगों को जो सदन में रहे, मध्य प्रदेश के विधानसभा में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो सदस्य रहे उसे छोड़ने पड़ा, उन्हें श्रद्धांजलि हम लोग दिए। विधायक मतलब